गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर क्लास एंड टुडेज आवर टॉपिक यूनिट फोर क्राइम. ओके, यूनिट फोर क्राइम एंड क्राइम आपका वन पोयम है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? Question is, according to the poem, should you cry a little or should you cry a lot? Means, poet ke according aapko jyada rona chahiye? Should you cry a lot? Bahut jyada rona chahiye? Yes, should you cry a little? थोड़ा रोना चाहिए. तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट मीन्स पोएट के अकॉर्डिंग तो हमें कैसे रोना चाहिए, बहुत ज्यादा रोना चाहिए. ओके, शुड क्राई अ लॉट. देन क्वेश्चन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द पोएट How much should you cry? According to the poet, how much should you cry? तो इसका आंसर भी सेम वही होगा. According to the poet, we should cry a lot. How much? तो how much should you cry? तो we should cry a lot. सेम क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर टू में राइट करेंगे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट. व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट मतलब बहुत ज्यादा रोने के बाद, क्राई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं. तो आफ्टर अकॉर्डिंग टू पोयम आफ्टर क्राइंग अ लॉट आई टेक बाथ एंड देन हैव अ ग्लास ऑफ सेक एंड हैव अ ग्लास ऑफ सेक मतलब जो है बहुत ज़्यादा क्राई करने के बाद जो है हमें बात करना चाहिए और फिर जो है ग्लास भर के मिल्क पीना चाहिए और विंडो ओपन करके क्या करना चाहिए, हा हा मीन्स लाफ करना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर फोर, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked. What is the mood in this lines? मतलब यहाँ पर जो ये lines दी है, crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो जो है इसमें इस lines में जो poet है उसका उनका mood कैसे है. ऑप्शन ए happy है, sad है, एंग्री है, जेलस है या फिर अपसेट है. तो अकॉर्डिंग टू लाइन सैड. ओके, दुखी है. देन फिफ्थ नंबर, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड. व्हाट इज इट नाउ मीन्स जो लास्ट की फ्यू लाइन्स है उसमें पोएट का मूड चेंज हो जाता है. तो कैसा होता है, वेरी हैप्पी, angry, cheerful, sad या jealous. तो जो ये हमने poem read की है crying, इसकी जब हम last की few lines read करते हैं तो इसमें जो poet है वो कैसा लगता है, very happy. because जब हम इसकी last की few lines पढ़ते हैं जिसमें दिया है then you can throw open your window and ha 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 and if people say hey what's going on up there ha ha shing back happiness was hiding in the last tear I wept it ha ha ha. ये जो लाइन से पोएम की इसमें जो पोएट है वो कैसे लग रहा है, पोएट का मूड वेरी हैप्पी, बहुत ही वो खुश लग रहा है. देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. फर्स्ट इज क्राइंग
ब्लैंक इज नो यूज। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू पोएम जो पोएट है वो बोलते हैं कि क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, मतलब थोड़ा रोने का कोई मतलब नहीं है। अगर रोना ही है तो कैसा रो, इतना ज़्यादा रो, लॉट्स ऑफ, इतना रो कि जो है तुम्हारा जो पिलो है वो बिल्कुल कैसा हो जाए, सोक्ड हो जाए, वाटर से पूरा गीला हो जाए, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली अ लिटिल बिट। देन सेकेंड नंबर, यू मस्ट क्राई अंटिल, यू मस्ट क्राई अंटिल मीन्स आपको कब तक रोना चाहिए। ऑप्शन ए योर क्लॉथ्स आर सॉक्ड, जब तक आपके कपड़े गीले ना हो जाए। ऑप्शन बी योर पिलो इज सॉक्ड, जब तक आपका पिलो गीला ना हो जाए। या ऑप्शन सी यू आर टायर्ड, जब तक आप थक ना जाओ। या ऑप्शन डी यू आर स्लीपी, जब तक आप सो ना जाओ। तो अकॉर्डिंग टू पोयम यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, जो है अकॉर्डिंग टू पोयम पोएट कहते हैं कि जो है तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक कि जो तुम्हारा पिलो है वो पूरी तरह से गीला ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देन थर्ड इज आफ्टर यू क्राई यू कैन जम्प, आफ्टर यू क्राई यू कैन जम्प। ऑप्शन ए इनटू द बेड, ऑप्शन बी ऑन द पिलो, ऑप्शन सी इन द शॉवर, या ऑप्शन डी आउट ऑफ द विंडो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर यू क्राइंग यू कैन जंप इन द शॉवर, मीन्स जब आपका रोकर हो जाए उसके बाद क्या करो, फटाफट से बाथरूम में चले जाओ, शावर के नीचे एकदम स्प्लैश स्प्लैश करके बात कर लो, छप छप करके, स्प्लैश स्प्लैश मीन्स छप छप करके क्या कर लो, बात कर लो। तो इन द शावर, ऑप्शन नंबर सी। देन फोर्थ नंबर, आफ्टर यू क्राई यू कैन ओपन द विंडो एंड, मतलब रोने के बाद क्या करो, विंडो ओपन करो एंड ऑप्शन ए लाफ लाउडली जोरों से हंसो, ऑप्शन बी साउट लाउडली जोरों से चिल्लाओ, ऑप्शन सी जंप आउट बाहर जंप करो, या ऑप्शन डी सिट क्विटली आराम से शांति से बैठ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू पोएम आफ्टर क्राई रोने के बाद जो है हमें विंडो ओपन करके क्या करना चाहिए, लाफ लाउडली हा 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 करके लाफ करना चाहिए, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ नंबर, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट इज, जस्ट बिफोर हमने क्वेश्चन में ही किया है कि जो बिगिनिंग में पोएट है, पोएम में पोएट है वो कैसे थे, सैड थे, राइट ना। देन सिक्स नंबर, एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज हैप्पी, ये भी क्वेश्चन किया है कि जो लास्ट में पोएम कैसे हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं पोएट, राइट ना। देन नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच मीन्स पोएट कहते हैं कि आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए। दिस इज रॉन्ग और राइट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोएम पोएट सेज, क्या कहते पोएट, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, मीन्स पोएट बोलते हैं कि ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, मतलब क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है। अगर रोना है तो क्या करो, बहुत सारा रो, लॉट्स ऑफ रो, बहुत सारा क्या करो, यू शुड क्राई अ लॉट, आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देन सेकेंड नंबर है, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सो, मीन्स पोएट कहते हैं कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका पिलो पूरी तरह से गीला ना हो जाए। तो इट्स ट्रू, पोएट ऐसा ही बोलते हैं। देन थर्ड नंबर,
द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो द पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, राइट। मतलब पोएट बोलते हैं कि आफ्टर क्राइंग, रोने के बाद, यू शुड ओपन द विंडो, आपको क्या करना चाहिए, विंडो ओपन करना चाहिए एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, और जो है जो पीपल से उन्हें दिखाओ कि आप कितने हैप्पी हो। इट्स ट्रू, पोएट ऐसा ही बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। इस पोएट कहते हैं कि आपको जो है विंडो ओपन करनी चाहिए और लोगों को, पीपल्स को दिखाना चाहिए कि आप कितना रो रहे हैं। इट्स फॉल्स, बिकॉज पोएट तो ऐसा बोलते ही नहीं है, राइट ना। देन है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, इनकी मीनिंग राइट करनी थी हमें। फर्स्ट है सोक, सोक मीन्स होता है कंप्लीटली वेट, मीन्स पूरी तरह से गीला, वेट मीन्स गीला, ओके। एंड सेकेंड है स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स होता है फॉलिंग इनटू लिक्विड, किसी भी लिक्विड में गिरना, लाइक इसका मीनिंग बताया था मैंने आपको, छप छप, जैसे कि हम जो वाटर होता है कहीं पर पानी होता है और अगर हम उसमें पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करें तो जो वाटर ऐसे ऊपर उछलता है उसे बोला जाता है स्प्लैश, ओके। देन नेक्स्ट है आपका यूनिट जो 4 है आपका क्राइंग, उसी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड चैप्टर, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, बड़े भाई साहब, है ना। तो इसमें है आंसर द क्वेश्चंस, देख लेते हैं हम इसके वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर अबाउट, जो माय एल्डर ब्रदर स्टोरी है वो किसके बारे में है। आंसर इज द स्टोरी माय एल्डर ब्रदर इज अबाउट 2 ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, मीन्स जो यह स्टोरी है ये 2 ब्रदर्स की है जो क्या है, जिनका एक दूसरे के प्रति स्नेही है। अफेक्स मीन्स एक दूसरे के प्रति स्नेही, अफेक्शनेट मीन्स स्नेही एंड रिस्पेक्टफुल मीन्स सम्मान, मतलब ये जो स्टोरी है वो 2 ब्रदर्स की है जिनमें एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह और उनका आदर के बारे में है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉट इज भैया डू ऑल डे, वॉट इज भैया डू ऑल डे, मीन्स जो भैया है वो ऑल डे क्या करते हैं। तो आंसर इज भैया डिड स्टडी ऑल डे, भैया डिड स्टडी ऑल डे, मीन्स जो भैया है वो ऑल डे पूरे दिन क्या करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Why did bhaiya study for hours together? Why did bhaiya study for hours together? Means जो भैया है वो कई घंटों तक किताबों के साथ क्यों रहते हैं या पढ़ते ही क्यों रहते हैं। तो भैया did study for hours together because he want his foundation in education to be very strong. आंसर इज भैया डिड स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर बिकॉज ही वॉन्ट हिज फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स जो भैया है वो घंटों तक स्टडी करते रहते हैं या किताबों के साथ रहते हैं बिकॉज वो क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मीन्स अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं, है ना। बिकॉज अकॉर्डिंग टू भैया, भैया का कहना था कि अगर जो है हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तब जा करके हमारी जो हमारा फ्यूचर भी कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अगर हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो जो है हम आगे चलकर भी कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे। इसलिए वो कई घंटों तक क्या करते थे, स्टडी किया करते थे। देन 4th नंबर, What were the things that Munna liked to do?
वॉट वर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, मीन्स मुन्ना को क्या क्या पसंद था या कौन कौन सी थिंग्स पसंद थी. तो मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, मुन्ना को मार्बल्स खेलना पसंद था. फ्लाई पेपर काइट्स, पेपर की पतंगे उड़ाना पसंद था. लव द ग्रीन फील्ड्स, उन्हें ग्रीन ग्रीन जो फील्ड्स थे, खेत थे, वो पसंद थे. एंड टच एंड गो गेम, टच एंड गो जो गेम होता है वो पसंद था. एंड सिटिंग विद फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजे करना भी उन्हें बहुत पसंद था, राइट ना. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मुन्ना स्टार्ट क्राइंग. व्हाई डिड मुन्ना स्टार्ट क्राइंग मीन्स जो मुन्ना है उन्होंने रोना क्यों स्टार्ट कर दिया, उसने रोना क्यों स्टार्ट कर दिया. तो मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज भैया स्कॉल्डेड हिम. मुन्ना ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि भैया ने उन्हें थोड़ा डांटा. देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड भैया ट्राई टू हेल्प मुन्ना. हाउ डिड भैया ट्राई टू हेल्प मुन्ना, जो भैया है वो मुन्ना की कैसे मदद करना चाहते थे या मदद करने की कोशिश कैसे कर रहे थे. तो भैया मैक्स अ टाइम टेबल फॉर मुन्ना. भैया मैक्स अ टाइम टेबल फॉर मुन्ना मीन्स भैया ने क्या किया था, मुन्ना के लिए वन टाइम टेबल बना दिया था. व्हाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? Means Bhaiya ने जो timetable Munna के लिए बना दिया था उसे देखकर Munna खुश क्यों नहीं था. तो Munna was not happy with the timetable made for him because there was no any time slot for playing. मुन्ना जो है भैया ने जो टाइम टेबल बना दिया था उसे देखकर हैप्पी नहीं था बिकॉज उसमें प्ले के लिए कोई भी टाइम स्लॉट नहीं दिया था, मीन्स कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया था प्ले करने के लिए, राइट. ऑल टाइम जो है बस स्टडी स्टडी और स्टडी का ही दिया था, राइट. इसलिए वो हैप्पी नहीं था. देन आफ्टर है व्हाट वर द results of the final exam. What were the results of the final exam? Means जो है final exams के result क्या थे. तो the results of the final exam were भैया was failed once again and Munna was passed in first class. Means final exam का result था कि जो भैया है वो एक बार फिर से fail हो गए थे and Munna फर्स्ट क्लास में पास हो गया था, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू भैया व्हाट मस्ट वन डू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अकॉर्डिंग टू भैया व्हाट मस्ट वन डू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ मीन्स भैया के अकॉर्डिंग हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए. आंसर इज अकॉर्डिंग टू भैया वी हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अकॉर्डिंग टू भैया वी हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ मीन्स जो है भैया के अकॉर्डिंग हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, ज़्यादा वर्क करना होगा, ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वॉज मुन्ना सैड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन. मीन्स क्वेश्चन है व्हाई वॉज मुन्ना सैड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन. जब एक बार फिर से रिजल्ट आए तो मुन्ना अपसेट क्यों था. Answer is when the results were out once again that Munna passed and Bhaiya failed again. So Munna was sad seeing his brother unhappy. Means जब result, जब एक बार फिर से result आए तो जो Munna है वो pass हो गया, but जो भैया है वो एक बार फिर से क्या हो गए,
फेल हो गए. सो मुन्ना वॉज सैड सीइंग हिज ब्रदर अनहैप्पी. तो जो है मुन्ना अपने ब्रदर को अनहैप्पी देखकर सैड हो गया, है ना. देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड व्हेन भैया बिकेम जेंटलर विथ मुन्ना. क्या हुआ जब भैया जो है मुन्ना के साथ थोड़े जेंटलर हो गए, मीन्स जब भैया टू टाइम फेल हो गए तो अब भैया ने क्या किया कि वो मुन्ना को ज़्यादा डांटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, एकदम मुन्ना से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस वो प्ले करते रहते थे तो उन्हें डांटते भी नहीं थे, मतलब जेंटलर बन गए थे उसके साथ, बिल्कुल बहुत अच्छे से रहते थे. तो व्हेन भैया बिकेम जेंटलर विथ मुन्ना ही बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. मीन्स जब भैया जेंटलर बन गए, मीन्स उसे डांटते नहीं थे, तो जो मुन्ना है वो और ज़्यादा नॉटी हो गया और पहले के कंपैरिजन में बहुत कम स्टडी करने लगा, है ना. पहले के कंपैरिजन में बहुत कम स्टडी करने लगा. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड मुन्ना फील दैट ही वॉज लकी. Why did Munna feel that he was lucky? Means Munna ये क्यों feel कर रहा था, क्यों महसूस कर रहा था कि वो lucky है. तो Munna feel that he was lucky because he thought he can pass easily and did not need study so hard. मीन्स मुन्ना को लग रहा था कि वह लकी है, वह तो इजीली जो है पास हो जाता है, अब उसे स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है या उसे स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड भैया टेल मुन्ना अबाउट देयर पेरेंट्स एजुकेशन. What did भैया tell मुन्ना about their parents' education? Means जो भैया है वो मुन्ना को अपने parents के education के बारे में क्या बताता है. भैया said, भैया does tell मुन्ना about their parents' education that Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. मिस जो है भैया मुन्ना को अपने पेरेंट्स के एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि माँ जो है हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई, एंड जो बाबा है वो ओनली 5th क्लास पास है, मीन्स ओनली वो 5th क्लास तक ही पढ़े हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, What did Bhaiya tell Munna about their parents' right? What did Bhaiya tell Munna about their parents' right? मीन्स जो भैया है वो मुन्ना को अपने पेरेंट्स के राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में क्या बताते हैं. तो भैया tell Munna about their parents' right that Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct अस. मीन्स भैया मुन्ना को कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स है उनका अधिकार है, माँ एंड बाबा का, हमेशा भले ही वो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, हमसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, बट हमेशा ही उनका अधिकार है कि वो हमेशा ही हमें एक्सप्लेन करे, समझाए, एंड टू अस एंड करेक्ट अस, और हमें जो है अच्छा बनाए. बिकॉज उन्हें क्या है, उनकी एज ज़्यादा है तो उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है. देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई कुड भैया नॉट प्ले. मीन्स जो भैया है वो क्यों नहीं खेलते थे, वो क्यों नहीं खेल सकते थे. Why could भैया not play? भैया क्यों नहीं खेल सकते थे. तो भैया could not play because if he play then how can he watch out for मुन्ना.
मुन्ना इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स भैया नहीं खेल सकते थे क्योंकि इफ ही प्ले यदि वो खेलते तो देन हाउ कैन ही वॉच आउट फॉर मुन्ना, तो फिर वो मुन्ना पर नज़र कैसे रखते, मुन्ना का ध्यान कैसे रखते। एंड मुन्ना इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुन्ना क्या थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, बिकॉज जो भैया है वो बड़े थे और मुन्ना कैसे था, उनसे छोटा था। Okay, dear students, so that is all today. Okay, आपको आज क्लास में जो यहाँ तक वर्क कराया गया है, आपको यहाँ तक बुक वर्कबुक फिलअप करनी है फ्रॉम पेज नंबर 33 to 35, 31, 32 and 33. Okay. That 33 to 35, 33, 34 and 35. Okay, that is all today. Thank you.